हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज अ सोप बबल ब्लोन बाय अ मैकेनिकल पंप एट द माउथ ऑफ अ ट्यूब इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम विद टाइम। सो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टाइम के संग एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होने का जो रेट है दैट इज डीवी बाय डीटी, दैट कैन बी अज्यूम कांस्टेंट, दैट इज सी। द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट अ टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड द बबल। सो बच्चों, अगर हम एक बबल की बात करें, बबल के अंदर प्रेशर अगर हम P1 लें और बाहर प्रेशर P2 लें, तो बबल के अंदर प्रेशर होता है P2 प्लस 4T बाय R, where R is the radius of the bubble and T is the surface tension. तो हमको यही प्रेशर का एक्सप्रेशन टाइम के टर्म्स में समझना है बच्चों। सो बच्चों, वॉल्यूम हम बबल का कितना ले सकते हैं, 4/3 πr³, और टाइम को हम T मान लेते हैं, जो ये कांस्टेंट दे रखा है हमको। इसका मतलब बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो r³ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, r³ जो है वो T के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, 4/3 πc कांस्टेंट है, तो r³ t के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों, r किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, t³ 1/3। तो जो प्रेशर आएगा बच्चों, हम देख सकते हैं इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा हमको, p₁ = p₂ प्लस, बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट मान सकते हैं, 4t अपॉन रेडियस। रेडियस का एक्सप्रेशन हम कितना लिख सकते थे बच्चों, यहाँ से एग्जैक्टली भी लिख सकते हैं रेडियस का एक्सप्रेशन कितना, r³ बनता ct अपॉन 4/3 π, 4π/3 लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से ये बनता बच्चों r³। तो r को कितना लिख सकते थे बच्चों, 3c अपॉन 4π का क्यूब रूट इंटू t³ 1/3। तो सम कांस्टेंट इंटू t³ 1/3 बनता, तो यहाँ लिख सकते थे सम कांस्टेंट इंटू t³ 1/3। सो दिस इज द रिलेशन बच्चों। सो जो वेरिएशन है p का टाइम के संग, वो हम देख सकते हैं लीनियर नहीं है, इट इज नॉन लीनियर ग्राफ, बट एक भी ऑप्शन में हमको लीनियर ग्राफ नहीं दे रखा है। अगर हम पी वर्सेस टी ग्राफ देखें तो ये सारे ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। और बच्चों, यहाँ पे लॉग टी ग्राफ भी अगर हम देखेंगे, तो लॉग टी ग्राफ बना के देखते हैं, लॉग टी ग्राफ कैसा बनेगा हमारा। तो हमको मिला बच्चों इस तरीके का एक्सप्रेशन, p = p₂, डेट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू अगेन, प्लस 40 अपॉन kt³ 1/3, 40 अपॉन कांस्टेंट, और t³ 1/3 को ऊपर लेंगे तो -1/3 होगा। तो बच्चों, दोनों साइड अगर हम लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग p = log p₂ प्लस 40 अपॉन k (t³ -1/3। तो बच्चों, इस टाइप का रिलेशन, इसको भी हम अगर ड्रॉ करेंगे तो इट इज नॉन लीनियर ग्राफ, मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो जेई मेन ने इस क्वेश्चन को बोनस दिया था बच्चों, बोनस दिया था इस क्वेश्चन को। तो दिस इज, हमको याद रखना है जो ग्राफ है वो यहाँ पर लीनियर तो नहीं बनेगा, क्योंकि t³ 1/3 पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर, -1/3 पे डिपेंड करेगा अगर न्यूमरेटर में लाएंगे। तो आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।